महावीर गांधी बुद्ध तुमने जिस अहिंसा करुणा अवतार का दामन थामा था, मैं चाहूँ तुम्हारे सिद्धांतों का अनुसरण करूँ, देऊँ शांति का परम संदेश जगत को, अहिंसा परमो धर्म। मैं पूर्णिमा मुकड़े उदयपुर राजस्थान से, करुणा अवतार भगवान महावीर स्वामी को नमन वंदन। जैन धर्म और सनातन धर्म दोनों ही पूर्ण शाकाहार के पक्ष में है। जैन जगत में तो जल, पृथ्वी, वायु, बिजली, वनस्पति सभी में जीव मानता है और इस बात को विज्ञान भी तर्कों के साथ मान चुका है। जैन श्रावक एवं साधु साध्वी सभी करुणा भाव रखते हुए शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। आज का मानव अपनी तृष्णा लालसा के कारण मुख पशुओं को अपना भोजन समझ बैठा है और कई कत्लकांड इन्हीं के कारण फल फूल रहे हैं। क्रूरता के साथ पशुओं का वध किया जाता जा रहा है। मांसाहार के कारण करुणा वात्सल्य का पूर्ण रूपेण अभाव हो गया है। व्यक्ति जैसा आहार करेगा वैसी ही उसकी मनोवृत्ति होगी। निरह प्राणियों को मारते समय वह अति हिंसक हो जाता है। उस आहार को ग्रहण करने पर व्यक्ति की मनोदशा भी वैसी ही हो जाती है। कहा भी जाता है जैसा आहार वैसा विचार। तामसी प्रवृत्ति वाला कभी भी विमल विचारों का धनी नहीं हो सकता है। वह सदैव क्रोध की भावना में रमण करता है। दया वात्सल्य करुणा का अभाव रहता है। भारत की संस्कृति करुणा व प्रेम पर आधारित है। शाकाहार से मानव अपना पर्यावरण का, स्वास्थ्य का, पशुधन, कृषि सभी को उत्तम कर सकता है। उसके साथ ही मानवता के भी नज़दीक पहुँचता है। जहाँ अहिंसा है वहीं करुणा है, वात्सल्य है। अंत में जहाँ करुणा का संचार नहीं, उसके उर में वात्सल्य निर्मल भाव का विचार नहीं। जय जिनेन्द्र।